हाँ जय हिंद। ईयर नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। किस कौन सा नोटिफिकेशन है? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आपका वैकेंसी है। किसमें आया है? आपका क्लर्क का है, समझ लीजिए क्लर्क का आपका है और स्टेनो का है, दो लोगों के लिए है। क्लर्क और स्टेनो के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। लेकिन तो उसके साथ ही अभी बता दूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर करना होगा, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए ताकि ये जितनी भी वैकेंसीज आई हैं इतने में से आपको किसी न किसी में नौकरी तो ले लेना है, किसी न में किसी में आपको सिलेक्शन लेना ही है। ये CRPF HCM का अभी कुछ समय में आने वाला है। देखिए SSB का आपको बता दिया था, SSB का 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 2020 का नोटिफिकेशन 2021 में रिलीज हुआ था, 2021 में फॉर्म फिल हुआ है, लेकिन 2022 चल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 2022 के एंड तक आपका SSB का कुछ प्रोसेस, चलिए उसके बारे में छोड़िए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल BSF HCM और स्टेनो का, ITBP HCM स्टेनो का, CISF का आ गया, और असम राइफल का तो चल ही रहा है आपका क्लर्क का, और ये देखिए CRPF का आने वाला है। तो आपकी इतनी वैकेंसीज हैं। अभी हम मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा, आपका ये जो है CISF HCM का नोटिफिकेशन जो आ चुका है, आपको पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन तो मैं कहूं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं इंटीमेट कर दूं एक बार। तो चलिए, यह जो है प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो हुआ था, इसके पिछले वाली जो भर्ती थी 2019 में इसका भर्ती हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था ना आपका, इसमें आगे जाकर के बताता हूँ और इन्फॉर्मेशन। तो CISF ASI स्टेनो HCM का 2022 का जो ऑनलाइन फिलिंग है 29/9/2022 से फॉर्म फिल होगा। कब तक होगा? 25/10/2022 तक, 17:08 यानी कि 5 बजे तक आपका सिर्फ फॉर्म फिल होगा। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, और ₹100 आपके लगेंगे। फीमेल SC ST अदर्स आर एग्जेम्प्टेड, अदर्स यानी कि और भी जो घरवाली वरवाली हैं उधर के, और भी जो उस सेक्शन में आते हैं वो लोग एग्जेम्प्ट हैं, बाकी जनरल OBC मेल कैंडिडेट को आपको चार्ज देना होगा। और ASI स्टेनो में कितना पोस्ट? 122, HCM में 418। अब ये जो आपका पोस्ट है या इसमें क्या है कि डायरेक्ट प्लस डिपार्टमेंटल, यानी कि जो सिविलियन लोग हैं और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन दोनों लोगों के लिए है इसमें, यानी कि आप इसमें आपके लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। जैसे SSB HCM में 115 वैकेंसीज आई हुई थी, तो उस हिसाब से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। और एलिजिबिलिटी के बारे में तुरंत बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कि एजुकेशनल 10+2 आपका एलिजिबिलिटी है। एज क्या है? 18 से 25 साल, 3 साल OBC वालों लोगों के लिए, 5 साल SC ST वालों लोगों के लिए, और अप टू 35 ईयर जो है डिपार्टमेंटल के लोग हैं उन लोगों के लिए। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा? आपका हाइट जो सभी मतलब कि नॉर्मल लोगों के लिए कितना हाइट है, 165 सेंटीमीटर, और 155 सेंटीमीटर आपका फीमेल के लिए है। चेस्ट कितना है? 77-82 फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो लोग आपके ST गढ़वाली, गोरखा, डोगराज, नागालैंड, JNK से और भी अदर से हैं तो उनके लिए 162 सेंटीमीटर लगेगा, 162.5, और 76-81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मेजर होगा। और स्टेनो के लिए क्या है कि डिक्टेशन जो है कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट आपको हिंदी में टाइम दिया जाएगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग क्या है? 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। इंग्लिश का आपका KDPS की डिप्रेशन पर 10,500 और हिंदी में 9,000 होना चाहिए। वो आपका सिर्फ इस पर फोकस करिए कि 35 वर्ड पर मिनट आपको मिनिमम चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में चाहिए। और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका सबसे पहले ये तो इतना जान ली एलिजिबिलिटी आपका, यहां तक किसके बारे में वैकेंसी क्या है, कैसे क्या एग्जाम था, मेल फीमेल जो भी है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल कर लेंगे, आपका फिलिंग विलिंग हो जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि सबसे पहले PST एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें PET नहीं होगा, एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। एफिशिएंसी टेस्ट मतलब रनिंग आपका इसमें नहीं है। 2019 के जो भर्ती आई थी 2022 में, उसका अभी बात करता हूँ उसके बारे में। तो उसमें क्या है कि आपका इसमें क्या है कि PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका सिर्फ चेस्ट होगा, हाइट होगा, वेट होगा। आपको
तीन चीज़ को क्वालिफाई करना होगा, प्लस उसके बाद आपको आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक टेबल रहता है, चेयर पे सब लोग बैठे रहते हैं, 6-7 लोग, आपको डॉक्यूमेंट्स ले आके प्रोड्यूस करना होता है और चेक होता है, सब डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल रहने चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं रहेगा तो आपको वहीं पर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, देयर विल बी नो चांस टू दैट कि आपको दोबारा ला करके दिखाए। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या होगा, हाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद थंब लगेगा, थंब आपको लगेगा, थंब आपको लगाना रहेगा राइट या लेफ्ट। डॉक्यूमेंटेशन होगा ओरिजिनल, एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लूँ, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे वो लोग, एज हो गया आपका, नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन चार चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आप फॉर्म भरते समय सभी लोगों से अभी निवेदन है, अभी 29/9/2020 से फॉर्म फिल होगा, 2 स्टेप में फिल होता है, पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन, दूसरे स्टेप में फॉर्म फिलिंग होता है, और जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा उसी को इंटर करिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करिएगा, अंडर ग्रेजुएट है, यूजी क्वालिफाई की पास हो गए हैं तो यूजी को इंटर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपको इस बेसिस पे भी आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा। और हाइट देखा जाएगा सबसे पहले, जो सबसे लंबा रहेगा उसको प्रिफरेंस होगा, फिर उसके बाद एजुकेशनल में, फिर उसके बाद नेम का अल्फाबेट में, इस तरीके से उसके बारे में बाद में बात होगा। तो यहाँ पे आपका हो गया कि आप फॉर्म भरते समय नेम, पापा का नाम, मम्मी का नाम पूरा एकदम सही तरीके से आप भरिएगा, ठीक है। भले से 1-2 दिन लेट हो, स्टार्टिंग से भरिएगा, देख के समझ के खुद, यह मत बोलिएगा कि दुकान वाला गलत भर दिया है, आपकी जिम्मेदारी होती, दुकान की क्या जिम्मेदारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन। यहाँ पे देखिए, अगर आपका इसमें कुछ भी हाइट वेट चेस्ट में कुछ भी होता है तो आप अपील उसी दिन सेम डे ही कर सकते हो, बाद में आप अपील नहीं कर सकते हो, वहाँ पे अपील टू PO ऑन द सेम डे, आप सेम डे में ही अपील कर सकते हो। PO कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पे स्टेप पे चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, रिटर्न आपका कैसे होगा, इतना क्वालिफाई आप कर लिए। अब देखिए, कंपटीशन यहीं पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब हाइट वेट चेस्ट में यार क्या रखा है, पहले से जिसका है वो उसी पे क्वालिफाई कर, रनिंग रहता तब ना छटते लोग। अब देखिए, रिटर्न OMR CVT, OMR यानी कि गोला करने वाला भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, 100 मार्क्स का 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात क्या, BSF का जो आया था HCM का, BSF HCM स्टेनो का, उसका भी आपका क्या है कि ऑनलाइन या OMR या CVT पे है। अगर इसका ऑनलाइन होगा CVT पे तो इसका भी होगा, इसका नहीं होगा तो इसका भी नहीं होगा, इतना लगभग 99% चांस है कि पूरक होंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, देखिए नो नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से क्या होने वाला है। 35% आपको मिनिमम लाना है और 33% आपको लाना है SC ST OBC वाले लोगों के लिए, 33% मार्क्स आवश्यक है, यानी 100 में से आपको 33 मार्क्स लाएंगे कम से कम, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं सिलेक्शन, मतलब कि अगर इससे नीचे रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे भले से एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर, तो यानी इसका कुछ भी मतलब नहीं है। उसी तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए आप समझ लिए, 35% आपका UR EWS और एक्स सर्विस मैन कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंटल लोगों के लिए 35% है, कोई भी उसका मतलब नहीं है। आपका कट ऑफ आपका यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ, इसके बाद कट ऑफ पे थोड़ा सा एक बार हिंट दे दूंगा। जनरल इंटेलिजेंस आपका 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का, अरिथमेटिक 25 मार्क्स का, और इंग्लिश या हिंदी आपका, इंग्लिश में ऑप्ट करना है तो इंग्लिश में जाइए, हिंदी करना है तो हिंदी में 25 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, अगर इसका तैयारी करना है तो यही मैं बोलूँगा कि आप SSC GD वाले सिलेबस को पढ़ डालिए, वो जब SSC GD का आपका कवर होगा तो ये आसानी से उसमें कवर हो जाएगा आपका। कट ऑफ के बारे में यहीं पे बात कर लेता हूँ, कट ऑफ आपका 90+ मान के चलिए, 90+ SC ST जनरल OBC EWS चाहे डिपार्टमेंटल वाले, डिपार्टमेंटल का तो कम जाएगा, डिपार्टमेंटल वाले को हटा देते हैं, आपको 90+ मार्क्स को ऑप्टेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, आप मान के रखिए, क्योंकि आपका फिजिकल में अगर मान लो 1 लाख बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से सिर्फ आप समझ लीजिए 1-2 हज़ार ही सिर्फ बाहर होंगे, नहीं तो सब आपके इस रिटर्न टेस्ट के लिए चले आएंगे। अब जैसे कि 2000
2019 के रिक्रूटमेंट में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसी को सामान मिलेगा यहाँ पे अच्छे अच्छे वाले। 2019 का जो रिक्रूटमेंट था ना, तो उसमें का PST आपको दोबारा करवा रहे हैं। जो लोग इस स्टेज पर आ गए थे उनका क्या हुआ, PST 5 अगस्त 2022 तक, नीचे देखिए लिखा हूँ 5 अगस्त 2022 तक PST ऑफ 2019 HCM और HCM का आपका हुआ है, इतने तारीख तक सबका ख़त्म हो गया है। इनका अब के साल में ही 2022 में ज्वाइनिंग मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस को फाइनल कर दिया जाएगा, फिर उसी के साथ में इनको लाया जा रहा है, इसीलिए इनका ख़त्म हो रहा है तो इनका आ रहा है। जैसे इनका पूरा फाइनल होगा तुरंत इसका आ जाएगा, यानी कि आपका इसी साल ये PST और रिटर्न होने का 99% चांस है इसी साल के आपके दिसंबर के मंथ में। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ आपका बता ही दिया कि 90+ आपको स्कोर करना होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका रनिंग में ज़्यादा लोग नहीं आउट हो रहे हैं तो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ को हाई करेंगे। और आपका टाइपिंग क्या है, टाइपिंग आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सबसे टफ इन सब में एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो DPHCM का सबसे टफ यही है एग्ज़ाम। उसमें इसमें जो तगड़ा रहेगा, मार्क्स स्कोर कर लिया, इसमें आपको सब कुछ करना है, रनिंग भी करना है, मार्क्स भी स्कोर करना है, रिटर्न भी है, टाइपिंग में भी मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, चेस्ट, सब कुछ इसमें है DPHCM में, ठीक है। तो DPHCM सबसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। और यह सब हो गया, यहाँ तक हो गया, आपको तैयारी कैसे करना है अभी बता दिया। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता देना, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ कैसे कैसे होने की चांसेस हैं। दिल्ली UP उत्तराखंड वाले लोगों का गाजियाबाद UP में मिल सकता है, और MP एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और बिहार एंड झारखंड का रांची झारखंड में हो सकता है। चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, राजस्थान, महिपालपुर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यही आपका है। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अभी एक बार और बात करते हो तो यही है। और जो भी स्टेट्स के हैं मैं आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नेशनल कोबरा कैडेट्स, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हैं, नहीं तो सिंपली जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि लिंक हमेशा काम नहीं करती है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता हूँ, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए कि जिस डेट का फॉर्म, जैसे 29/9/2020 से पहले तक का आपका इशू हो जाना चाहिए, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे कास्ट हो, चाहे EWS वालों के लिए जो है एग्जेम्पशन जो मिल रहे हैं EWS कैटेगरी के लिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है आपका 29/9/2022 से पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो दिया गया है उसी फॉर्मेट को अगर नहीं रहता है वो फॉर्मेट में, तो आपका जिस फॉर्मेट पे बना हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका अगर उस पर लिखा है कि इस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब कि वो सेंट्रल है स्टेट का, क्योंकि क्या होता है ना, चलिए इसको नहीं बताता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप समझ लीजिए। तैयारी करते रहिए, यही है आपके हाथ में, आपकी आपको मेहनत बस कर सकते हैं, मेहनत करिए, आपके हाथ में यही है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और मिलते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।